वाह रे अमेठी पुलिस, तेरे खेल हैं निराले। कभी पढ़ने वाले नाबालिग छात्रों को तो कभी 63 वर्षीय महिला को बना दिया जाता है गुंडा। अभी कुछ दिन पहले ही जिले के फुर्सतगंज थाने पर नाबालिग छात्र भाइयों के ऊपर गुंडा एक्ट की गई थी कार्यवाही, तो वहीं अब ताज़ा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र थाने में 63 वर्षीय रमऊ पत्नी रामदेव के खिलाफ 110 जी की कार्यवाही करते हुए गुंडा एक्ट में कर दी गई है कार्यवाही और पुलिस ने उसे बता दिया है गुंडा। यही नहीं, उसके खिलाफ यह भी लिखा गया है कि लोग उसके आतंक से भयभीत हैं, कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब पुलिस को 63 वर्षीय वृद्ध महिला से बड़ा खतरा नजर आ रहा है। मेरा नाम राम कुमार है, चिरइंदा का रहने वाला हूँ, मौजा लाईपुर है, पोस्ट ओनली तहसील तिलोई मोहनगंज थाना जिला मीठी। सर कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी जिसमें विपक्षियों के खिलाफ 452, 323, 504, 507, 325 लगा था और मेरे ऊपर लगा 323 और 504, 506, जिसमें इसमें पुलिस ने मेरी माता की उम्र 63 साल है और 110 जी लगा दिया, गुंडा एक्ट बना दिया मेरे को, पुलिस ने आज 116 कर दिया तमाम लोगों के ऊपर, मेरे पूरे घर वालों के ऊपर। सर इसकी जांच करवाना चाहते हैं, फिर आपसे निवेदन है मेरा कि इसकी जांच करवाई जाए। इसको दादी की एज कितनी है? 63 वर्ष। हाँ दादी आपको रमऊ नाम है। हम कहा जो है गुंडा एक मनाओ कई दिन, हमारा के रहने वाली हूँ, 63 साल उम्र है, हम गुंडा लागे थे। क्या चाहते हो आप? का चाहे कहता है गोमपा जोन करे कि हम जब हो बताओ, हम कौन न खाए पाए न कमाए पाए, हम देखो जो नान नान हमें लड़का है, हम कुछ कह नहीं पाए, हमका यही में भराए रहा थी हर साल, चलो जौन है हर महीना चलो तारीख पर चलो हम मुकदमा लड़ो, चलो जौन है वैसा कह दिए थी। अब तीसरी बार जमानत ही आए, अब हर 15 दिन पुलिस हमें घर जावा करा थी।